हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जिसको आप बच्चों के जेंट्स और लेडीज़ स्वेटर सब में डाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से सेंटर के जो 6 फंदे हैं वो आगे कर लिए हैं, जो बीच वाले फंदे हैं 2 उनको पीछे रहने दिया, और दोनों साइड से 2 2 फंदे ट्रांसफ़र टूल में लेके इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिए। फिर हम 2 फंदों का गैप देंगे और उसके बाद फिर से 6 फंदे जो है वो आगे कर लेंगे इस तरह से। अब ये भी 2 फंदे एक साइड से उठा लेंगे, 2 और 2 बीच में रहने देंगे उनको इसी तरह से, और ये इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे कम फंदे तो आगे हम नहीं करेंगे, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। 2 फंदों का गैप देके फिर 6 फंदों में को इस तरह से सेंटर वाले 2 फंदे ऐसे ही रहने देंगे, और दोनों साइड से जो 2 2 फंदे उनको हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम ये सारे फंदे आगे कर लेंगे ताकि जब हम मशीन को चलाएं तो हमारी मशीन अटके नहीं, और मशीन को थोड़ा धीरे से चलाना है। इस तरह से 10 नंबर पे बना रही हूँ, और ये मेरे नॉर्मल जो हाथ से भी बनाते हैं वूल, वही वूल है बर्धमान की। इस तरह से एक सिलाई हो गई, हमें टोटल 8 सिलाइयाँ लगानी है। 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरह से अब जो सेंटर वाला फंदा जो हमने ऐसे ही छोड़ा था उसको ऐसे सेंटर में बनाएंगे, और उसके दोनों साइड से 2 2 फंदे उठा के फिर हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। इसको हम ऐसे ही सेंटर में रहने देंगे, और इस तरह से 6 फंदे। अब 2 फंदों का गैप देंगे और फिर आगे 3 फंदे 6 फंदे फिर से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। 2 फंदे छोड़ेंगे और 2 फंदों का इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर से हम 2 फंदों का गैप देंगे और आगे जो 6 फंदे हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये वाले फंदे को इस तरह से, इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस साइड भी 2 फंदों का गैप देके आगे वाले 2 फंदे और इस तरह से बीच में छोड़ेंगे, और 4 फंदों को इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। अब ये जितने भी फंदे हैं सबको हम आगे कर लेंगे और फिर से 8 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1 ट्रांसफ़र करने के बाद जो हम फर्स्ट सिलाई लगाते हैं उसको थोड़ा धीरे से लगाना है। 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई। फिर से जो सेंटर में प्लेन फंदे छोड़े थे 2 उनको हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और इनके दोनों साइड से हम 2 2 फंदे ट्रांसफ़र टूल में लेके उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और फिर हमारा 2 फंदों का गैप आ जाएगा, और फिर जो फंदे हमने 2 आगे किए थे उसके दोनों साइड से 2 2 फंदों को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। इस साइड से भी इसी ऐसे ही करेंगे हम। 2 फंदे ट्रांसफ़र टूल में ले लिए, 2 दूसरे ट्रांसफ़र टूल में, फिर फंदों को ट्रांसफ़र किया और सारी नीडल्स को आगे करके फिर से हम प्लेन बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के आ गया है। मैं दिखाती हूँ इसको राइट साइड से, इस तरह से बन के आया है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।